Hello friends, how are you? I hope you are very good. Welcome to my YouTube channel ASP Episode Pro. You come first time my channel, please subscribe my channel as well. I can get notification, like, share, comment and watch full video. तो आज हम बात करने जा रहे हैं सी में पॉइंटर की. पॉइंटर क्या होते हैं, सी में पॉइंटर क्या करते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये कैसे चीज़ें एक्सेस करता है और कैसे चीज़ें स्टोर करता है, इसके बारे में आज जानेंगे हम. तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल. पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है दैट स्टोर अ मेमोरी एड्रेस. वो क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है. जैसे कि अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड अनदर वेरिएबल. किसी और वेरिएबल का एड्रेस वो अपने मेमोरी में स्टोर करता है. पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड अनदर वेरिएबल एड्रेस स्टोर इन अ मेमोरी लोकेशन. जहाँ पर वो वेरिएबल स्टोर होता है, एक जैसे कोई भी वेरिएबल होता है उसको सी में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है. तो क्या करता है, जो वो वेरिएबल है उसका एड्रेस पॉइंटर स्टोर करता है और फिर उसके थ्रू हम उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल की, और उस वेरिएबल की एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं. पॉइंटर का ये यूज होता है मेन. और पॉइंटर में देखेंगे एड्रेस क्या होता है, इसमें एड्रेस क्या होता है. एड्रेस होता है जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल होता है उसका एक पर्टिकुलर जैसे कि एड्रेस होता है. जैसे कि हमने कोई इस इंटीजर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया वैर नाम से, ठीक है, हमने इसे अपने प्रोग्राम में देख रहे हैं और इसमें इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है. एड्रेस कैसे फाइंड होता है, एम परसेंट बताता है कि इसका एड्रेस क्या है पर्टिकुलर मेमोरी में. तो हमने पहले वेरिएबल को प्रिंट किया इस प्रोग्राम में, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल को उसके एड्रेस को हमने एक्सेस कर दिया. तो ये हमारा इस प्रोग्राम में आउटपुट आ रहा है. हम देखेंगे सी में पॉइंटर कैसे वर्क करता है. पॉइंटर अ स्पेशल वेरिएबल दैट यूज टू स्टोर एड्रेस. ठीक है, हमने पढ़ लिया इसमें क्या करता है, ये स्टोर करता है एड्रेस. और जैसे कि इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, इंट एस्ट्रिक पीटीआर. फर्स्ट टाइप ये हो गया इंट एस्ट्रिक पीटीआर 1, ये सेकंड टाइप हो गया फिर इंट स्पेस एस्ट्रिक स्पेस पीटीआर 2, ये दूसरा टाइप हो गया. फिर इसमें तीसरा टाइप है जैसे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है पॉइंटर में कैसे करते हैं, इंट एस्ट्रिक हो गया, फिर उसके बाद स्पेस पीटीआर 3 कॉमा पीटीआर 4 डैट डैश डैश, वो कितना भी आप कर सकते हो एंड टाइम तक इस तरह. और असाइनिंग कैसे, इसमें वैल्यू इसमें असाइन होती है पॉइंटर में. इंटीजर एस्ट्रिक पीटीआर हमने एक हमारा क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है, एक हमारा ये वैल्यू नाम का एक क्या है हमारा ये हमारा वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है. तो ये क्या करेगा, उसकी जो भी उस वैल्यू को इक्वल टू 5, हमने इसमें वैल्यू इक्वल टू 5 दे दी, फिर एम परसेंट वैल्यू इसको हम पीटीआर में इसको स्टोर करा रहे हैं इसके एड्रेस को, ठीक है, और फिर हमने पीटीआर एस्ट्रिक पीटीआर से हमने इसको प्रिंट कर लिया. तो बेसिकली ये हमारा काम होता है. तो इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमारे 5 आ जाएगी, जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर होगी, वैल्यू इज़ इक्वल टू 5. चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स. जैसे कि इसमें वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, जैसे इंटीजर हमने पीटीआर है हमारा, फिर वैल्यू है तो हमारा 5 हमने इसमें टच किया, तो एम्परसेंट मतलब इसके एड्रेस को हमने इसमें डिफाइन कर दिया. फिर उसके बाद क्या किया, स्टोर हो गया इसमें 5, बट इसमें हमने क्या किया, वैल्यू इज़ इक्वल टू 2 कर दी. तो हमने जब वैल्यू इक्वल टू 2 करी तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, हमारी 2 हो गई और पीटीआर पे हमारा 2 आ गया. तो इस तरह हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं. और दूसरा टाइप है इसका इंट एस्ट्रिक पीटीआर कोमा वैल्यू. वैल्यू इज इक्वल टू 5, पीटीआर इज इक्वल टू एम परसेंट वैल्यू, फिर एस्ट्रिक पीटीआर इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पीटीआर में वैल्यू असाइन कर दी हमने 2, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमने पीटीआर को प्रिंट कराया तो कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई. और फिर इंट एस्ट्रिक पीटीआर, अभी हमारा तीसरी बार कैसे इसको होगा, कैसे चेंज करते हैं, और फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2. तो वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0 हमने 100 और 10 असाइन कर दी, और वैल्यू 2 में 20 असाइन कर दिया, और फिर 1% वैल्यू 1
में जो वैल्यू है हमने इसमें एम परसेंटेज मतलब ये वेरिएबल इसमें पीटीआर में असाइन कर दिया, हमने पीटीआर को प्रिंट कर लिया। फर्स्ट टाइम तो हमने ये किया तो हमारे 10 वैल्यू आ गए, फिर सेकंड टाइम में हमने क्या किया वैल्यू 2 को पीटीआर में असाइन कर दे तो उसमें क्या जाएगा वैल्यू 2 की वैल्यू 20 है तो उसमें पीटीआर 20 स्क्वायर एड्रेस को एक्सेस कर लेंगे। मतलब कितनी भी वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए हैं उसके हम वैल्यू पे जाकर के उसके एड्रेस पर्टिकुलर उसके एड्रेस पे जाकर के उसके वैल्यू को हम किसी भी पीटीआर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक व्हेन वर्किंग विद पॉइंटर, इसमें हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं पॉइंटर को हम यूज़ करते हैं, तो जैसे इंट वैल्यू कॉमा पीटीआर, तो पीटीआर इज एड्रेस बट वैल्यू इज नॉट, जब जैसे वैल्यू क्या है हमारा एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल है और पीटीआर हमारा क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंटर है, तो वैल्यू कभी भी डायरेक्टली पॉइंटर में नहीं असाइन होती है, उसके लिए हमें उसके एड्रेस उसका एड्रेस असाइन होता है। तो वेरिएबल जैसे कि डायरेक्टली असाइन है तो उसका एड्रेस असाइन होगा, तो ये चीज़ करेंगे पॉइंटर के साथ तो उसमें गलत होगा। फिर दूसरी बार में क्या एम परसेंट वैल्यू इज एड्रेस बट एम एस्टिक पीटीआर इज नॉट, तो जैसे कि हमारा ये है जैसे कि हमारा ये पीटीआर है ठीक है उसका टू परसेंट वैल्यू है, तो जैसे कि हम डायरेक्टली में पीटीआर में इस तरह वैल्यू को नहीं असाइन कर सकते हैं डायरेक्टली एस्टिक मतलब कि एस्टिक पीटीआर में पॉइंटर में, ये भी गलत होता है। बहुत जैसे कि वैल्यू एम परसेंट एंड पीटीआर, जैसे एम परसेंट वैल्यू इसमें इस तरह असाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट जैसे पी टी आर होता है एस्ट्रिक पॉइंटर है इक्वल टू वैल्यू, तो वैल्यू को डायरेक्टली इस तरह हम असाइन कर लेते हैं। हमारे 4 टाइप हैं, 2 टाइप अगर हम इसमें ऊपर के यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा वो एरर शो करेगा और जब नीचे 2 टाइप हमारा वो हमारा करेक्ट वे है पॉइंटर को यूज़ करने का। ये हमारा इंक्लूड टच है इंट मेन इंट वैल्यू इक्वल टू 10 इंट एस्ट्रिक पी टी आर इक्वल टू एम परसेंट वैल्यू प्रिंट एफ एम परसेंट डी और एस्टिक हमने पी टी आर को प्रिंट कर लिया, इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं बट और इसमें हमारा आंसर आएगा 10 ठीक है। वाई डिड नॉट वी गेट एन एरर व्हेन यूजिंग एस्टिक, अब हम जो हमने यूज़ किया इसको एस्टिक पी टी आर एम परसेंट वैल्यू, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली यहीं पर ही हमने जो वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं ना वहीं पर ही इसमें इसकी वैल्यू को ले रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या है कि उसके ऊपर वाले में है जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हम अलग से जैसे कि पीटीआर में पीटीआर एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर में एम परसेंट वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए वो गलत भी है। और रिलेशन बिटवीन एरे एंड पॉइंटर, पॉइंटर में रिलेशन एरे और पॉइंटर का क्या रिलेशन है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंटीजर हमने जैसे कि हमारा एक हमारा एरे हो गया उसका साइज 4 है और इंट हमने आई डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद इसमें क्या होगा, अब जैसे कि हम पॉइंटर को हमने एरे को हमने यूज़ किया प्रिंट कराने में तो पी हमने जो पॉइंटर जो भी उसका एड्रेस होगा पी के थ्रू हम किसी भी जो एरे होती है उसका जो भी एरे होती है उसके जो भी इंडेक्स नंबर होता है उसका एड्रेस हम फाइंड करते हैं पी के थ्रू ठीक है एम परसेंटाइल पी के थ्रू, और उसके बाद फिर हमने एम परसेंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट आई है, फिर उसके बाद हमने सारे इंडेक्स की जितनी भी वैल्यू है इसको हमने प्रिंट करा ली और फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ एरे, जो पहला जो हमारा पर्टिकुलर जो यहाँ से हमारा एरे स्टार्ट होता है वो हमारा एरे का एड्रेस होता है ठीक है। जैसे कि 1 2 3 2 1 2 4 जो जैसे कि हमारा ये एरे का एड्रेस हो गया और एम परसेंट एक्स इंडेक्स पे 0 वैल्यू क्यों इसका एड्रेस क्या है 1 2 3 4 यही हमारा ये पर्टिकुलर हमारा एड्रेस एरे का एड्रेस होता है जो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा 0 इंडेक्स पे वैल्यू को एड्रेस होता है। और पॉइंटर्स एंड एड्रेस, फिर उसके बाद पॉइंटर्स और एड्रेस का क्या रिलेशन है, जैसे कि हमारा ये हमने इंटीजर आई हमने डिक्लेयर किया ठीक है एक्स हमारा एक एरे है और सम है ठीक है, फिर हमने 5 वैल्यूज में एरे में हमने एंटर कराई और उसके बाद फिर हमने इनको प्लस कर दिया यूजिंग अ पॉइंटर, इसमें जैसे कि सम प्लस इक्वल टू एस्ट्रिक मतलब पॉइंटर एक्स प्लस आई, इतनी उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी उसको फैच करेगा और उसको 1 by 1 हमें प्रिंट करके दे देगा एरे में, इस तरह हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं एरे में। और एरे एंड पॉइंटर, और एरे और पॉइंटर कैसे यूज है, जैसे कि हम पॉइंटर के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर
मतलब पॉइंटर के थ्रू किसी जो हमारी एरे है, जो हमारी एरे है उसको इंडेक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि पीटीआर हमने एरे इनिशलाइज कर एरे हमने डिक्लेयर कर दी और वहीं पर इनिशलाइज कर दी, और हमारा पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद फिर जैसे कि एम परसेंट एक्स टू, फिर हमने इसमें इसको एक्स मतलब कि एड्रेस जो है ये होल्ड कर रहा है पीटीआर, जो हमारी पर्टिकुलर एक एरे है जो इंडेक्स है एक्स टू मतलब 3 वैल्यू है हमारे जो एरे है उसमें उसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है इंडेक्स पे एस टू एम परसेंट। और उसमें क्या हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा रहे हैं पीटीआर में, पीटीआर को पहली बार हमने प्रिंट में तो हमने ऐसे ही प्रिंट कर दिया एस्टिक पीटीआर, तो हमारा 3 आ गया, और प्रिंट एफ पीटीआर प्लस 1 एम परसेंट डी, और फिर इसमें क्या किया हमने पीटीआर प्लस 1, तो हमने पर्टिकुलर उसके जो हमारा पीटीआर प्लस 1 मतलब उसकी इंडेक्स की एक वैल्यू पे इंक्रीमेंट होगा, तो एक वैल्यू पे इंक्रीमेंट होगा तो एक इंडेक्स आगे बढ़ेगा, जब इंडेक्स आगे बढ़ेगा तो हमारा इंडेक्स कितना हो जाएगा एरे का x3 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारी 4 है, तो इसलिए हमारा इसमें 4 प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही हमारा लास्ट प्रिंट फंक्शन जो क्या वर्क करेगा, जैसे ptr माइनस 1 पर्टिकुलर ये वैल्यू नहीं माइनस कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है ये पर्टिकुलर उसके इंडेक्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। जब उसके इंडेक्स पे वर्क कर रहा है तो जैसे कि ptr माइनस 1 तो जो इंडेक्स की जो हमने इनिशलाइज किया था ptr में वो 2 था, और 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो ptr एक्स पे 1 वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, तो हमारी उसकी वैल्यू प्रिंट करके हमें दे देगा 2। तो ये हमारा पर्टिकुलर ये एरे एंड पॉइंटर है। तो आज हमने जाना कि पॉइंटर कैसे वर्क करता है वेरिएबल के साथ और हमारा एरे के साथ, चीज़ें कैसे एक्सेस करता है और कैसे चीज़ें इसमें इनिशलाइज होती हैं, आज हमने ये जाना। अगली क्लास में पॉइंटर टू फंक्शन, पॉइंटर एंड फंक्शन एंड सी मेमोरी एलोकेशन, और सी में मेमोरी कैसे एलोकेट होती है और पॉइंटर टू फंक्शन अगली क्लास में ये जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन गेट नोटिफिकेशन।